हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं आपकी साइंस की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 35। ये है आपकी 23rd of September की वर्कशीट। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को भी लाइक कीजिए ताकि इस वीडियो में जो वर्कशीट हम समझा रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये वर्कशीट किस पर है जल्दी से देख लेते हैं। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम डिस्कस कर रहे थे, उसी की कंटिन्यूएशन में ये वर्कशीट है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बताया गया है आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में। अब आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। एटम्स दैट गेन एन इलेक्ट्रॉन एंड दस ऑब्टेन अ नेट नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड एनायंस। तो ऐसे एटम्स जो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, मतलब कि उनके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है और इस वजह से उनका जो टोटल नेगेटिव चार्ज है, जो टोटल उनका चार्ज है, नेट जो चार्ज है वो नेगेटिव हो जाता है, ऐसे एटम्स को अनायंस कहा जाता है। इन कॉन्ट्रास्ट एटम्स दैट लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड दस ऑब्टेन अ नेट पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड कटायंस। अब इसी के कॉन्ट्रास्ट में ऐसे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, कोई एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं और उस वजह से जो है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मतलब वो न्यूट्रल नहीं रहते, उनका इक्वल इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से प्रोटॉन्स के इक्वल नहीं रहता है और इस वजह से उन इलेक्ट्रॉन जाने से टोटल चार्ज जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ऐसे जो एटम्स होते हैं उसे कटायंस कहा जाता है। Anions tend to be non-metals, while the cations tend to be metals. तो generally ये देखा गया है कि जो anions होते हैं, मतलब कि जिनका total charge जो है वो negative होता है, वो generally non-metals होते हैं, और जो cations होता है, मतलब जिनका total charge जो है positive होता है, वो generally metals होते हैं. Also, ions may refer to a single atom or multiple complex group of atoms. अब ions क्या होता है? आयंस होते हैं या तो कोई एक सिंगल एटम या फिर मल्टीपल एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम जो है, कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ एटम जो है उस वो आयन हो सकता है। तो जो भी चार्ज होता है उससे जो बनता है तो वो आयंस बन जाता है। फिर मेटल्स और नॉन मेटल्स मिलकर बनते हैं। मेटल का जो आयन है जिसका पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव आयन है, और नॉन मेटल्स का ये नेगेटिव चार्ज, तो ये बन जाता है आपके आयन। द ऑपोजिट चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल्ड टुगेदर इन आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। तो ये जो ऑपोजिट चार्जेस है, मतलब कि प्लस है और माइनस जो है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है, ये दोनों जो है आपस में आयनिक बॉन्ड्स की वजह से जुड़े हुए हैं, और इन बॉन्ड्स की वजह से जुड़े होने की वजह से इन्हें आयनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है वो यहाँ आपको और अच्छे से समझाया हुआ है। सो आयनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड मेड ऑफ आयन्स। तो वो कंपाउंड्स जो आयन्स से बने होते हैं उन्हें ही आयनिक कंपाउंड बोला जाता है। अब आयन्स क्या होते हैं? आयन्स वही होते हैं, एक सिंगल एटम भी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है जिसके ऊपर कोई चार्ज हो। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो कटायन होगा और नेगेटिव चार्ज होगा तो अनायन होगा। द लॉस और गेन ऑफ वन एटम मैचेस विद द लॉस और गेन ऑफ द अदर। द एटम डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन टू द एटम दैट नीड्स इट एंड दे फॉर्म अ पेयर। तो हमने जैसे कि बोला कि अनायन जो है उसका जो टोटल नेट नेगेटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव है, मतलब कि उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और वहीं कटायन जो है उसका टोटल चार्ज जो है पॉजिटिव है, मतलब कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये जो है फिर कटायन और अनायन जो है आपस में मिलते हैं और आयनिक बॉन्ड की वजह से मिलते हैं और इससे आयनिक कंपाउंड बन जाता है। और ये लॉस और गेन जो होता है कि मतलब जिसको जरूरत है उसे इलेक्ट्रॉन मिल जाता है और जिसके पास एक्स्ट्रा है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है शेयर कर लेता है। तो इस तरह की जो डोनेशन वाली ये जो शेयरिंग है उसकी वजह से ये एक पेयर बन जाता है और आयनिक कंपाउंड बन जाता है। अब ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनको और डिटेल में समझ लेते हैं कि कैसे होते हैं, क्या होता है इनमें। तो सबसे पहले यहाँ फिजिकल नेचर इनके बारे में बताया गया है। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड आर समवॉट हार्ड because of the strong force of attraction between the positive and negative ions. तो जैसा हमने बताया है कि positive और negative जो ions होते हैं, cations और anions जो होते हैं, उनके बीच में बहुत strong force of attraction होता है, क्योंकि एक को electron की जरूरत है और एक के पास electron ज्यादा है, तो वो जो है ये electrons की sharing करते हैं, donation करते हैं एक दूसरे में, इस वजह से उनका strong force of attraction होता है। इसीलिए जो है वो generally solids होते हैं और थोड़े से hard भी होते हैं।
दीज कंपाउंड आर जनरली ब्रिटल, लेकिन ये जनरली ब्रिटल भी होते हैं एंड ब्रेक इन टू पीसेज वेन प्रेशर इज अप्लाइड. तो जब उन पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो जनरली ब्रेक भी हो जाते हैं. तो यहाँ पर आपको देखो एग्जाम्पल दे रखा है ब्रिटल आयोनिक कंपाउंड का, एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड जैसे नमक है या मैग्नीशियम क्लोराइड. तो इस तरह से ये जो है ये ब्रिटल आयोनिक कंपाउंड होते हैं. फिर है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. दोनों ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके आयनिक कंपाउंड के बहुत ही हाई होते हैं. अब ये क्यों होते हैं? दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन. तो जैसा हमने बोला कि इन दोनों के बीच में जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स हैं, दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं. तो इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, इस इंटर आयनिक अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है. और इसी वजह से इनका जो है हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है. अब सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं. आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा. तो ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जनरली ये वाटर में तो सॉल्युबल होते हैं, मतलब कि पानी में ये आसानी से घुल जाते हैं, लेकिन ये जो सॉल्वेंट जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल, इस तरह की कोई सॉल्वेंट अगर होता है तो उसमें ये घुलते नहीं है. फिर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो मैं आपको यहाँ पर ये भी बता देती हूँ कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर आपको बता रखा है कि देखिए ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इन सबके ये सब आयनिक कंपाउंड्स हैं और इन सबके यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी दिए हुए हैं और ये बहुत ही ज्यादा हाई है यहाँ पर. और सॉल्युबिलिटी के बारे में भी यहाँ पर ये बताया हुआ है कि ये कैसे यहाँ पर घुल जाते हैं आसानी से. तो आगे अब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे बात कर लेते हैं. सो द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सोल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स. तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होता है, तो अगर किसी सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होनी है तो वो तभी होगी जब पार्टिकल्स जो है मूव करेंगे. तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है, एक सोल्यूशन में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि जो चार्ज पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स जिन पर कोई चार्ज है वो मूव करने लग जाए तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी. अ सोल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वॉटर कंटेन्स आयन्स विच मूव टू द ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सोल्यूशन. तो अब ये यहाँ पर बताया हुआ है कि आयनिक कंपाउंड का जब एक सोल्यूशन हम बनाते हैं, मतलब कि आयनिक कंपाउंड को अगर पानी में डाल दिया जाए, वाटर में अगर उसका सोल्यूशन बनाया जाए तो उसमें आयन्स आ जाते हैं. और जब इलेक्ट्रोड्स से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, सोल्यूशन में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो ये जो आयन्स हैं ये इलेक्ट्रोड्स के विच मूव टू द ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स, ये ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाने लगते हैं. मतलब कि जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाने लगेगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाने लगेगा. आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयन्स इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर. तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होते हैं तो क्या होता है कि चार्ज का जो है मूवमेंट पॉसिबल नहीं है. ये जो आयन्स हैं, जो पॉजिटिव या नेगेटिव आयन्स जो है, अनायन्स और कटायन्स जो है, इनका जो है सॉलिड स्टेट में मूवमेंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत ही ज्यादा इनका रिजिड स्ट्रक्चर होता है. बहुत ज्यादा आपस में ये जो है हाईली अट्रैक्टेड होते हैं तो मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता, और मूवमेंट नहीं होता है तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं करती है. लेकिन आयनिक कंपाउंड्स जो है जब मॉल्टन स्टेट में होते हैं, यानी पिघले हुए होते हैं या फिर घुले हुए होते हैं, तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स आर ओवरकम ड्यू टू द हीट. तो मॉल्टन स्टेट मतलब पिघली हुई स्टेट में जब ये पिघला दिया जाता है इनको, तो इतनी हीट हो जाती है कि जो आपस में इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो चार्ज आयन्स हैं उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो ओवरकम हो जाता है. मतलब वो हीट इतनी होती है कि वो इस अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेता है और इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट हो जाती है. दस द आयन्स मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो वो इतने आपस में लूजन अप हो जाते हैं, उनका अट्रैक्शन इतना कम हो जाता है पिघली हुई स्टेज में कि आयन्स जो है वो फ्रीली मूव करने लगते हैं, और जैसे ही फ्रीली मूव करने लगते हैं वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है. अब इसी को समझाने के लिए जो आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास करने का ये यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट है, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये कैसे होता है सोल्यूशन में कैसे होता है,
इसको समझाने के लिए यहाँ पर एक फिगर भी आपको दी गई है, इसको ध्यान से देखिए क्योंकि बाद में इस पर क्वेश्चन भी है। तो ये फिगर आपको दी गई है, तो आप देख सकते हैं कि इस फिगर में सॉल्ट सॉल्यूशन अंडर टेस्ट है, मतलब कि आयनिक कंपाउंड का एक ये सॉल्यूशन है, यहाँ सॉल्यूशन बनाया गया है। ये ग्रेफाइट रॉड्स जो है, ये जो है ये कैथोड्स की तरह, इलेक्ट्रोड्स की तरह इन्हें यूज किया गया है। कैथोड और एनोड होती है, तो जो पॉजिटिव पॉजिटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रोड है उसको एनोड बोलते हैं और जो नेगेटिवली चार्ज उसको कैथोड बोलते हैं। तो अब जो यहाँ पर सॉल्यूशन जो है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव रॉड की तरफ जाने लगेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाने लगेंगे, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाने लगेंगे। और जब ये फ्री मूवमेंट होने लग जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो जाएगी। तो ये यहाँ पर जो है इस फिगर के थ्रू आपको ये यहाँ पर समझाया गया है। तो अब जल्दी से जो है आपके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन जो है वो है, एटम्स दैट गेन एन इलेक्ट्रॉन एंड दस ऑब्टेन अ नेट नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड डैश एटम्स दैट आर कॉल्ड डैश एटम्स दैट लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड दस ऑब्टेन अ नेट पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड डैश। तो आप जल्दी से गेस करके बताइए कि इसमें क्या होगा, मैंने अभी अभी आपको समझाया है। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं और फिर जो है उनके पास नेट जो है चार्ज वो नेगेटिव आ जाता है, तो उससे क्या होता है, जरा दो मिनट सोचिए। तो ऊपर यहीं पर आपका आंसर यहाँ पर दिया गया है आपको। तो नेगेटिव चार्ज अगर आ जाता है तो वो अनायन हो जाता है, और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो कटायन हो जाता है। तो यहाँ पर जो है जल्दी से हम फिल कर देते हैं कि इधर नेगेटिव चार्ज आ गया है तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनायन हो गया है, यहाँ पर अनायन, और दैट लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड दस ऑब्टेन अ नेट पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज अगर आ जाए तो यहाँ पर हो जाता है कटायन हो जाता है, वो कटायन बन जाता है जो पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा आपकी यहाँ वर्कशीट में लिखा हुआ है, डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका पहला आंसर। फिर सेकेंड है आपका, आयनिक कंपाउंड ब्रेक व्हेन डैश इज अप्लाइड। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब क्या अप्लाई किया जाता है जिससे कि आयनिक कंपाउंड जो है ब्रेक हो जाते हैं। तो व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, सो व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड तो आयनिक कंपाउंड जो है वो ब्रेक हो जाते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं आपके, वो है व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। ये आपका आंसर थ्री हो जाएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन फोर पर, व्हाई आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट आर एबल टू डू सो इन मोल्टन स्टेट। तो जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं कंडक्ट करते इलेक्ट्रिसिटी बट मोल्टन स्टेट में क्यों कर पाते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको अभी भी समझाया है। तो ये जो है यहाँ से आप इसका आंसर फोर लिख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं आपके क्वेश्चन फाइव पर। क्वेश्चन फाइव आपका कहता है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ वेल लेबल्ड डायग्राम द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आयनिक कंपाउंड। तो इसमें आपको ये वाला डायग्राम बनाना है और फिर आपको जो प्रोसेस लिखना है वो आप यहाँ से लिखेंगे, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आप पूरा इसमें प्रोसेस आप लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा आंसर फाइव। तो ये डायग्राम आप बनाएंगे और ये जो हाईलाइटेड है ये आप यहाँ पर आंसर फाइव में लिखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। डिस्क्रिप्शन को आप दोबारा सुनिए अगर आपको समझ नहीं आया है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प मिल जाए। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।